दोस्तों रोजाना गवर्नमेंट जॉब्स की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए यहाँ से सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लें। दोस्तों आज हो चुका है 6 दिसंबर 2022 मंगलवार। एक बार फिर से मैं आपके लिए आज की 8 बड़ी भर्तियों की अपडेट लेके आ चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, इन भर्तियों के ऑनलाइन फॉर्म भरना बिल्कुल मत भूलिएगा। सुनहरा अवसर निकला है। ऑल ओवर इंडिया से, भारत के किसी भी राज्य से आप इन भर्तियों के लिए आवेदन कर सकते हो। मेल फीमेल दोनों आवेदन कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, 10वीं और 12वीं पास के लिए यहाँ पर आवेदन करने का बड़ा मौका निकला है। एसएससी सीएचएसएल के लिए भी आज ही से आवेदन प्रक्रिया स्टार्ट हो चुकी है। रक्षा मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, नेवी भर्ती के लिए भी आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग में भी बम्पर भर्तियों की अपडेट आ चुकी है। इस वीडियो में हम आपको कंप्लीट जानकारी देंगे कि यहाँ पर किन किन अन्य विभागों के अंतर्गत ये भर्तियाँ निकली है, किस पोस्ट के लिए कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज है, क्या पोस्ट वाइज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कैसे आप इन भर्तियों की ऑफिशियल नोटिफिकेशन की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, कैसे अप्लाई कर सकते हो और कब से कब तक आप अप्लाई कर सकते हो। स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी हिंदी में देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक। इस वीडियो को पूरा देखने पर ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई वक्त कमाए शुरू करते हैं 6 दिसंबर 2022 की 8 बड़ी भर्तियों की पूरी जानकारी। जी हाँ दोस्तों, जो यहाँ पर इसमें फर्स्ट नंबर पर जॉब निकली है वो निकली है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कर्मचारी चयन आयोग एसएससी में। जी हाँ दोस्तों, लोअर डिवीजन क्लर्क एलडीसी या जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट जेएसए, पोस्टल असिस्टेंट पीए या सोर्टिंग असिस्टेंट एसए, डाटा एंट्री ऑपरेटर डीईओ और डाटा एंट्री ऑपरेटर डीईओ ग्रेड ए की यहाँ पर पोस्ट निकली है। बात अगर यहाँ पर एग्जाम नेम की जाए तो ये भर्ती होगी कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल यानी कि सीएचएसएल 10+2 एग्जामिनेशन के माध्यम से एसएससी सीएचएसएल एग्जाम के भर्ती की अपडेट है। 4000 से अधिक वैकेंसी यहाँ पर निकली है। डेट की अगर बात की जाए तो आवेदन इसके लिए आज ही से स्टार्ट होने जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, स्टार्टिंग डेट अप्लाई ऑनलाइन करने की 6 दिसंबर 2022 है। लास्ट डेट अप्लाई ऑनलाइन करने की जनवरी 2023 में है। बात अगर यहाँ पर इसमें सैलरी डिटेल की जाए तो लोअर डिवीजन कलर की या जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट के लिए 19,900 से 63,200 है लेवल 2 के अंतर्गत। पोस्टल असिस्टेंट, सोर्टिंग असिस्टेंट और डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए 25,500 से 81,100 है लेवल 4 के अंतर्गत। 12वीं पास कैंडिडेट इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 27 वर्ष इसके लिए आयु सीमा है। एप्लीकेशन फ़ीस की अगर बात की जाए तो जनरल ओबीसी कैटेगरी के लिए 100 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस है। एससी एसटी फीमेल ईएक्स सर्विसमैन को फ़ीस जमा नहीं करनी होगी। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग से आप ऑनलाइन फ़ीस पेमेंट कर सकते हो। सिलेक्शन होगा कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम सीबीटी के आधार पे। ऑनलाइन आप अप्लाई कर सकते हो। ऑल ओवर इंडिया से, भारत के समस्त राज्यों से मेल फीमेल दोनों आवेदन कर सकते हैं। ssc.nic.in की ऑफिशियल वेबसाइट है जिससे आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों, जो यहाँ पर इसमें सेकंड नंबर पर जॉब निकली है वो निकली है नवल डॉकयार्ड विशाखापट्टनम, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस नेवी में, रक्षा मंत्रालय नेवी के अंतर्गत ये भर्ती है। नवल डॉकयार्ड विशाखापट्टनम के अंतर्गत ट्रेड अप्रेंटिस की पोस्ट है। 275 टोटल वैकेंसी यहाँ पर निकली है। बात अगर इम्पोर्टेंट डेट की जाए तो लास्ट डेट अप्लाई ऑनलाइन करने की 2 जनवरी 2023 है। बात अगर सैलरी डिटेल की जाए तो नोटिफिकेशन से आप चेकआउट कर सकते हो। 10वीं पास प्लस आईटीआई से आप अप्लाई कर सकते हो। अप्रेंटिस रूल के अकॉर्डिंग आयु सीमा तय की जाएगी। फीस आपको यहां पर जमा नहीं करनी होगी। सिलेक्शन होगा इसमें रिटर्न एग्जामिनेशन और इंटरव्यू के आधार पर। ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। ऑल ओवर इंडिया से आप अप्लाई कर सकते हो। indiannavy.nic.in की ऑफिशियल वेबसाइट है जिससे आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों, जो यहाँ पर थर्ड नंबर पर ये जॉब निकली है वो निकली है स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर राजस्थान में, राज्य स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संस्थान के अंतर्गत ये भर्ती है। एएनएम असिस्टेंट रेडियोग्राफर और लैब टेक्नीशियन की पोस्ट यहाँ पर निकली है स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत। टोटल यहाँ पर 3,214 वैकेंसीज है। एएनएम के लिए 1155, रेडियोग्राफर असिस्टेंट के लिए 1015, लैब टेक्नीशियन के लिए एलटी के लिए 1044 वैकेंसीज है। बात अगर इम्पोर्टेंट डेट की जाए तो आवेदन इसके लिए स्टार्ट होंगे 15 दिसंबर 2022 से। लास्ट डेट अप्लाई ऑनलाइन करने की अभी डिक्लेयर नहीं की गई है। सैलरी आप नोटिफिकेशन की पीडीएफ से पोस्ट वाइज चेकआउट कर सकते हो। क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो 12th एएनएम डिग्री डिप्लोमा से आप अप्लाई कर सकते हो। 18 से 40 वर्ष आयु सीमा है।
फीस आप कैटेगरी वाइज नोटिस से चेक कर सकते हो। टेस्ट और इंटरव्यू के आधार पर इसमें आपका चयन होगा। ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। राजस्थान जॉब लोकेशन है, ऑल ओवर इंडिया से ऑनलाइन कर सकते हो। sihfwrajasthan.com और rajswasthya.nic.in ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है जिससे आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों जो यहाँ पर फोर्थ नंबर पर जॉब निकली है वो निकली है वेस्ट बंगाल हेल्थ रिक्रूटमेंट बोर्ड में। स्वास्थ्य भर्ती बोर्ड के अंतर्गत ये भर्ती है। स्टाफ नर्स ग्रेड सेकंड की पोस्ट है। 6092 बम्पर वैकेंसीज यहाँ पर निकली है। आवेदन इसके लिए भी स्टार्ट होंगे 9 दिसंबर 2022 से। लास्ट डेट अप्लाई ऑनलाइन करने की 23 दिसंबर 2022 है। बात अगर यहाँ पर इसमें फीस पेमेंट की लास्ट डेट की जाए तो वो भी 23 दिसंबर है। एग्जाम डेट अभी डिक्लेयर नहीं की गई है। 7,100 से 37,600 सैलरी है प्रति माह के लिए। 12th डिप्लोमा GNM BSc नर्सिंग, पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग, MSc नर्सिंग से आप अप्लाई कर सकते हो। 18 से 39 वर्ष यहाँ पर इसके लिए आयु सीमा है। एप्लीकेशन फीस OBC अदर कैंडिडेट्स के लिए 210 है। SST वेस्ट बंगाल और PWD को फीस जमा नहीं करनी होगी। मनी ऑर्डर, चेक, बैंक ड्राफ्ट और कैश मोड से आप फीस पेमेंट कर सकते हो। सिलेक्शन होगा प्री एग्जाम, एकेडमिक क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस और इंटरव्यू के आधार पे। ऑनलाइन तरीके से आप अप्लाई कर सकते हो। वेस्ट बंगाल जॉब लोकेशन है, ऑल ओवर इंडिया से आप अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हो। WBHRB.in की ऑफिशियल वेबसाइट है जिससे आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों जो यहाँ पर 5 नंबर पर जॉब निकली है वो निकली है वेस्ट बंगाल हेल्थ रिक्रूटमेंट बोर्ड में। ये भर्ती भी स्वास्थ्य भर्ती बोर्ड में ही निकली है। मेडिकल ऑफिसर जनरल ड्यूटी GDMO और मेडिकल ऑफिसर स्पेशलिस्ट की पोस्ट है। 1429 वैकेंसीज है। GDMO के लिए 750 पद है। MO स्पेशलिस्ट के लिए 679 वैकेंसीज यहाँ पर निकली है। बात अगर इम्पोर्टेंट डेट की जाए तो इसके लिए भी 9 दिसंबर से ही आवेदन शुरू होंगे। लास्ट डेट 23 दिसंबर 2022 है। फीस पेमेंट की लास्ट डेट भी 23 दिसंबर है। एग्जाम डेट डिक्लेयर नहीं की गई है। 15,600 से 42,000 सैलरी है प्रति माह के लिए। MBBS डिग्री से आप अप्लाई कर सकते हो। मैक्सिमम 36 और 40 वर्ष आयु सीमा है। एप्लीकेशन फीस OBC और अदर कैंडिडेट्स के लिए 210 है। SST वेस्ट बंगाल PWD को फीस जमा नहीं करनी होगी। मनी ऑर्डर, चेक, बैंक ड्राफ्ट, कैश से आप फीस पेमेंट कर सकते हो। सिलेक्शन होगा प्री एग्जाम, एकेडमिक क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस और इंटरव्यू के आधार पे। ऑनलाइन तरीके से ही आप अप्लाई कर सकते हो। वेस्ट बंगाल जॉब लोकेशन है, ऑल ओवर इंडिया से आप अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हो। WBHRB.in की ऑफिशियल वेबसाइट है जिससे आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों जो यहाँ पर 6 नंबर पर जॉब निकली है वो भी नेशनल हेल्थ मिशन, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन NHM UP में निकली है। ये भी यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग में कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर CHO की बम्पर भर्ती है। 4,000 वैकेंसीज यहाँ पर निकली है। बात अगर डेट की जाए तो आवेदन इसके लिए भी 2 दिसंबर से चल रहे हैं। लास्ट डेट 13 दिसंबर 2022 है। 20,500 सैलरी है प्रति माह के लिए। BSc नर्सिंग, पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग से आप अप्लाई कर सकते हो। मैक्सिमम 35 वर्ष आयु सीमा है। फीस आपको जमा नहीं करनी होगी, ना ही एग्जाम देना होगा। मेरिट से चयन होगा। ऑनलाइन आप अप्लाई कर सकते हो। UP जॉब लोकेशन है upnrhm.gov.in ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है जिससे आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों जो यहाँ पर 7 नंबर की जॉब है वो निकली है NPCIL में। न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, परमाणु ऊर्जा निगम इंडिया लिमिटेड के अंतर्गत ये भर्ती है। स्टिपेंडी ट्रेनी, असिस्टेंट ग्रेड फर्स्ट, स्टेनो ग्रेड फर्स्ट और साथ साथ साइंटिफिक असिस्टेंट, नर्स ए फार्मेसिस्ट की पोस्ट यहाँ पर निकली है। टोटल इसके लिए 243 वैकेंसीज है। आवेदन इसके लिए भी आज ही से शुरू होने जा रहे हैं। स्टार्टिंग डेट अप्लाई ऑनलाइन करने की 6 दिसंबर है। लास्ट डेट 5 जनवरी 2023 है। सैलरी आप पोस्ट वाइज नोटिस से चेक कर सकते हो। 12th डिग्री डिप्लोमा से आप अप्लाई कर सकते हो। मिनिमम 18 वर्ष आयु सीमा है। फीस आप कैटेगरी वाइज नोटिफिकेशन की PDF से ही चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पर भी टेस्ट और इंटरव्यू के आधार पे इसमें आपका चयन होगा। ऑनलाइन आप ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हो। npcil.nic.in और npcilcareers.co.in इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है जिससे आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर 8 और लास्ट नंबर की जॉब निकली है वो निकली है बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में। लोक सेवा आयोग BPSC के अंतर्गत ये भर्ती है। असिस्टेंट मौलवी अरबी और असिस्टेंट टीचर इंग्लिश की पोस्ट है। वैकेंसी जहाँ पोस्ट वाइज नोटिफिकेशन की PDF से ही चेकआउट कर सकते हो। बात अगर इम्पोर्टेंट डेट की जाए तो आवेदन इसके लिए 5 दिसंबर से शुरू हो चुके हैं। लास्ट डेट अप्लाई ऑनलाइन करने की 23 दिसंबर 2022 है। सैलरी लेवल 9 के अंतर्गत प्रति माह के लिए प्रोवाइड की जाएगी।
मास्टर डिग्री बीएड एमएड पीएचडी से आप अप्लाई कर सकते हो। 21 से 37 मेल के लिए, 21 से 40 फीमेल के लिए यहाँ पर आयु सीमा है। एप्लीकेशन फ़ीस की अगर बात की जाए तो जनरल ओबीसी या अदर स्टेट के लिए 750 है, एसएसटी पीएच फीमेल जो बिहार के हैं उनके लिए 200 है, जो कि आप ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड से जमा करा सकते हो। रिटर्न टेस्ट और इंटरव्यू के आधार पर चयन होगा, ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। बिहार जॉब लोकेशन है, ऑल ओवर इंडिया से आप अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हो। bbsc.bih.nic.in इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है जिससे आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। तो दोस्तों ये थी आज के यानी कि 6 दिसंबर 2022 मंगलवार की टॉप 8 भर्तियों की पूरी जानकारी। अगर आपको अभी इन भर्तियों के बारे में और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो उसके लिए आपको हमारी वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन प्लस फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा और हमारे इस पेज पर विजिट करके आप यहीं से किसी भी भर्ती की ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हो और अप्लाई भी यहीं से कर सकते हो। लिंक यहीं पर आपको प्रोवाइड करा दिए गए हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही साथ दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पर हम डेली गवर्नमेंट जॉब्स की ऐसी ही बिग अपडेट अपलोड करते हैं।